पेट्रोल के प्राइस को लेकर हर कोई परेशान है आजकल, और ये टेंशन और भी ज्यादा हो जाता है जब आप लॉन्ग ड्राइव पे कार पे निकल रहे हो। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपका पेट्रोल का प्राइस है ना, मतलब पेट्रोल का प्राइस तो कम नहीं होगा, पेट्रोल का खर्चा है ना बहुत कम हो जाएगा। सो वीडियो पूरा जरूर देखना, हो सकता है ये वीडियो आपका भी काम आ जाए। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, मैं हूं सौरभ मंडल, और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे गाड़ी चलाते वक्त आप आपका पेट्रोल का खर्चा कम कर सकते हो। सो गाइस, गाड़ी चलाते वक्त जितना नॉर्मली पेट्रोल खर्चा होता है ना, उतना तो होगा ही गाड़ी चलाने का टाइम, लेकिन हम लोगों की गलत चलाने की वजह से ना बहुत सारा पेट्रोल हम लोग वेस्ट कर देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो एक्स्ट्रा पेट्रोल हम लोग कैसे बचा सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे कारण होता है जिसके वजह से हम लोगों का जो एक्स्ट्रा पेट्रोल है ना खर्चा हो जाता है। जैसे कि आप सोचते हो एसी चलाऊंगा नहीं, तो एसी की वजह से पेट्रोल ज्यादा खर्चा होगा, तो ये सोच के आप विंडो नीचे कर देते हो, लेकिन विंडो नीचे करने की वजह से गाड़ी के अंदर बहुत एयर प्रेशर होता है। जो आप स्पीड में गाड़ी चलाते हो ना, तो हवा बहुत ज्यादा अंदर आता है और गाड़ी को रोकता है, जिसकी वजह से आपका पेट्रोल ज्यादा खर्चा होता है। और आप एसी बंद रखते हो तो सोचते हो कि एसी में पेट्रोल ज्यादा खर्चा हो जाएगा, लेकिन उल्टा होता है। ऐसा बहुत सारे छोटे छोटे कारण है, लेकिन आज मैं आप लोगों को मेन दो कारण बताने वाला हूँ जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पेट्रोल खर्चा होता है। उसमें से पहला कारण जो है ना वो है आपका गियर। आप गलत गियर में गाड़ी चलाते हो तो आपका पेट्रोल ज्यादा खर्चा हो जाएगा। सो अगर आप सही से गियर इस्तेमाल करते हो, क्लच भी इस्तेमाल करते हो सही से, तो इससे भी आपका बहुत सारा पेट्रोल बच जाएगा। लेकिन आजकल मैनुअल गियर है ना बहुत कम हो गया है, ऑटोमेटिक गियर ज्यादा है गाड़ी में। सो ये प्रॉब्लम भी थोड़ा बहुत सॉल्व हो ही गया है। अब दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ, दूसरा जो पॉइंट है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आपके टायर का एयर प्रेशर कम होने के वजह से भी बहुत ज्यादा पेट्रोल वेस्ट हो जाता है हम लोगों का गाड़ी चलाते वक्त। सो पेट्रोल का खर्चा बचाने के लिए है ना, आपको गाड़ी का टायर का जो एयर प्रेशर होता है ना, उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो गाइस, आज आप लोगों को मैं एक चीज दिखाने वाला हूँ जिससे आपका गाड़ी का जो टायर प्रेशर है ना वो कंट्रोल में रख सकते हो, उसको हमेशा मॉनिटर कर सकते हो। सो गाइस, ये है वो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जिसे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और ये कैसे आपका पेट्रोल का खर्चा कम कर देगा वो भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है। सो गाइस, इस मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर देखिए ये सब चीज आता है। इसको खोलते ही ये छोटा सा एक मैनुअल बुक रह जाता है, और इसमें एक चार्जिंग केबल है और एक डिस्प्ले है जिसमें टायर का प्रेशर आता है। ये देखिए ऐसा एक डिस्प्ले आता है छोटा वाला, जो सोलर पावर भी है। ये गाड़ी के सामने यहाँ पे रखने से ना ऑटोमेटिक सोलर से चार्ज हो जाता है, और इसका यूएसबी चार्जिंग भी है। देखिए यहाँ पे केबल दिया गया है, और ये चार्ज सेंसर है यहाँ पे देखिए। तो चलो इसको लगाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को ये कैसे काम करता है। सो गाइस, इसमें जो ये प्लास्टिक है ना, ये एक्चुअली ग्लू है। जो मॉनिटर है ना उसको ऐसे डैशबोर्ड पे रख के उसके ऊपर ये दोनों प्लास्टिक का कवर ये निकल देंगे ना, तो इसमें ग्लू है वो चिपका के रखने के लिए मॉनिटर को सामने डैशबोर्ड में, वो है ये चीज़। चारों सेंसर देखिए, ये है राइट फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट, ये राइट रियर, लेफ्ट रियर। तो चारों टायर में जैसा लिखा है ना ऐसा ही सेम लगाना है, क्योंकि डिस्प्ले में सेम ऐसा ही दिखेगा, जिससे आपको पता चलेगा कौन से टायर में कितना प्रेशर है। और इसमें है ना टेम्परेचर भी दिखा देता है। तो चलो इसको लगाते हैं अच्छे से और आप लोगों को दिखाते हैं। सो सबसे पहले जो टायर का वाल्व है ना, उसका जो कवर है वो निकाल देता हूँ चारों टायर का, क्योंकि यहीं पे लगने वाला है वो सेंसर। ये जो चीज़ है ना इस पे लगने वाला है वो सेंसर। तो चारों टायर का मैं वाल्व का जो कवर है वो पहले निकाल देता हूँ, ये सामने का है। और ये एक्चुअली है ना सिक्योर भी हो जाएगा, जो टायर का जो एयर प्रेशर है ना वो सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसे निकाल के इसका हवा निकाल नहीं पाएगा। कोई भी आके चाहेगा ना तो भी वो निकाल नहीं सकता है उसे। सबसे पहले ये जो चारों सिक्योर बोल्ट है ना ये लगाना है, ये देखिए ऐसे यहाँ पे ये सबसे पहले लगाना है। सो चारों टायर पे जो सेफ्टी का जो बोल्ट था ना वो मैंने लगा दिया। एक्चुअली ये सेंसर लगाने बाद इसको उल्टा ऐसे घुमा के सेंसर के साथ टाइट करना है। सो ये राइट फ्रंट है, मतलब सामने का राइट साइड का है। इसके अंदर है ना टेम्परेचर सेंसर और टायर प्रेशर सेंसर दोनों आ जाता है। ये देखिए ये बिल्कुल टाइट हो गया। अब इसको उल्टा घुमा के टाइट करना है रेंज से, इस रेंज से इसको टाइट कर देना है, तो ये बिल्कुल सेव हो जाएगा। तो चारों में मैंने सेंसर लगा दिया, अभी देखता हूँ डिस्प्ले में ये क्या दिखा रहा है और कैसे काम करता है, आप लोगों को समझाता हूँ मैं। सो ये देखिए ये डिस्प्ले है, इसमें वो सेंसर में जो काम होगा ना वो इसी में पूरा आ जाएगा। तो इसमें तीन बटन है देखिए, यहाँ पे एक सोलर पैनल है जिससे सोलर से ये चार्ज हो जाएगा डैशबोर्ड में रखने से यहाँ पे। ये देखिए चारों टायर पे मैंने लगा दिया ना,
तो अब जब वो सेंसर डिटेक्ट कर चुका है किस टायर में कितना प्रेशर है और कितना टेम्परेचर, तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, ये देखिए ये लेफ्ट में जो फ्रंट टायर है ना उसमें 44 डिग्री टेम्परेचर है और 29 PSI इसमें एयर प्रेशर है। राइट साइड का जो पीछे वाला व्हील है ना उसमें देखिए 42 है, मेरा जो निसन अल्टिमा है ना उसमें 32 एयर प्रेशर है जो मैंने इसमें सेट कर दिया था, तो देखिए वो ब्लिंक हो रहा है, मतलब इसमें एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो अभी इसे मुझे कम करना है। देखिए ये ब्लिंक हो रहा है और अभी इसका साउंड भी आ रहा था, अभी इसे मुझे थोड़ा सा इसका ना ये देखिए हवा में कम करके उसको सेंस करूँगा। यहाँ पे मेरे चारों टायर का जो प्रेशर है ना वो व्हाइट कलर में दिख रहा है ना वो एयर प्रेशर है, और जो येलो कलर में दिख रहा है वो टायर का एयर जो टेम्परेचर है वो दिखा रहा है। देखिए तो इसे कैसे सेट करता है ना, इसका जो अलार्म सिस्टम है इसको कैसे सेटिंग करता है वो मैं बाद में बताता हूँ, उससे पहले मैं बता देता हूँ इसके वजह से कैसे आपका पेट्रोल बचेगा। सो गाइस इसमें जो एयर प्रेशर का नंबर दिखाता है ना वो रियल टाइम आपका जो टायर में एयर प्रेशर है उसका नंबर दिखाता है। सो आप सोचिए कि आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो और आपका टायर का जो एयर प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो अब अगर 2-3 घंटा उससे भी ज़्यादा 4-5 घंटा अगर ड्राइव कर रहे हो तो उसमें आपका आपको तो लगेगा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो आपका गाड़ी का जो पेट्रोल है ना उसमें फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि टायर देख के तो आपको पता नहीं चलेगा। और ऐसा नहीं है कि हमेशा आप टायर चेक करते रहो, तो ये सेंसर लगाने की वजह से ना आपका जो डैशबोर्ड है ना डैशबोर्ड में आप यहाँ पे रख सकते हो इसको और हमेशा मॉनिटर कर सकते हो। सो गाइस चलो अब मैं दिखा देता हूँ ये सिस्टम कैसे सेट करना है, मतलब जो इसका हाई है जो एयर प्रेशर हाई हो जाएगा तो आपको बीप करता रहेगा, एयर प्रेशर लो हो जाएगा तो कैसे बीप करता। सो गाइस इसमें देखिए एकदम लेफ्ट साइड में है ना एक सन जैसा फोटो आ रहा है, वो एक्चुअली है ना जो आपका लाइट से जो चार्ज होता है सोलर पावर है ना वो दिखा रहा है। देखिए मैं इसको अंधेरे में लेके जाऊंगा ना तो वो बंद हो जाएगा, या तो मैं इसको ढक दूंगा ना, देखिए अभी बंद हो गया, ये देखिए बंद हो गया, मतलब यहाँ पे धूप नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है जिसकी वजह से ये चार्ज नहीं हो रहा है, और इसको मैं जैसे ही बाहर लाऊंगा ना थोड़ा सा धूप में देखिए ये सन जो है ना वो आ गया, मतलब ये ऑटोमेटिक चार्ज हो रहा है लाइट से। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे इसका जो हाई टेम्परेचर और हाई एयर प्रेशर कैसे सेट करना है और कैसे उसको यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे 3 स्विच है ना, इसमें फास्ट वाला है ना ये लेफ्ट एरो है और पावर स्विच है, इसको दबा के रखेंगे ना तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा, ये देखिए, और इसी को दबा के फिर ऑन करना है, ये देखिए ये ऑन हो गया। अब इसमें जो बीच में जो स्विच है ना ये देखिए इसमें एम लिखा हुआ है, मतलब ये मेनू है, इसको दबा के रखेंगे ना तो इसका मेनू ओपन हो जाएगा, ये देखिए। अभी इसमें जो दिखा रहा है यूनिट, ये देखिए लिखा है ना, ये गाड़ी का फोटो है, दोनों साइड में लिखा है यूनिट और यहाँ पे लिखा है पी, मतलब प्रेशर यूनिट, इसमें देखिए यहाँ पे है PSI, मतलब ये अभी PSI में है। अभी देखिए एम स्विच को दोबारा दबाने के बाद है ना ये PSI देखिए ब्लिंक हो रहा है। अभी मैं इसको राइट साइड का जो एरो है ना उसको दबाऊंगा तो देखिए ये बार में आ गया, मतलब ये बार में दिखाएगा, तो मैं PSI में रखना पसंद करूंगा क्योंकि PSI में डिटेल्स में दिखाता है, बहुत ज़्यादा दिखाया है, बार में आएगा तो ये 32 PSI का मतलब 2.2 बार आएगा ऐसा, तो मैं PSI पसंद करता हूँ, तो PSI में दबाया, फिर मैं एम स्विच को दबाया, देखिए ये सेट हो गया PSI, अभी भी ब्लिंक नहीं कर रहा है, अभी ब्लिंक नहीं कर रहा है। अब फिर से मैं राइट साइड का जो स्विच है उसको दबाऊंगा, ये देखिए नंबर 1 पे आ गया यूनिट, ये है टेम्परेचर, ये टी मतलब टेम्परेचर और नीचे है सी मतलब सेंटीग्रेड में है। अब इसको मैं एम स्विच दबाऊंगा ना तो देखिए सी वाला ब्लिंक कर रहा है। अब इसको मैं राइट स्विच दबाऊंगा फिर से तो ये फारेनहाइट हो गया, लेकिन मुझे सेंटीग्रेड में रखना है, सी कर देता हूँ फिर से, देखिए सी हो गया, फिर से मैं एम स्विच को दबाऊंगा तो फिर ये सेट हो गया। फिर तीसरी बार मैंने राइट साइड का स्विच दबाऊंगा ना तो ये देखिए ये प्रेशर हाई, ये PH मतलब प्रेशर हाई है, मतलब आपका टायर का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो हाई प्रेशर है आप कितना रखना चाहते हो, तो मैंने 39 PSI रखा, मतलब अगर आपका टायर का प्रेशर 39 से ज़्यादा हो जाता है, 39 PSI से ज़्यादा हो जाता है तो ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। इसको भी सेट करने के लिए आपको एम दबाना है और ये देखिए लेफ्ट राइट स्विच दबा के आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, तो मैंने इसको 38 पे रख देता हूँ, 38 सही है मेरे लिए। फिर से इसको सेट करने के बाद राइट स्विच दबाऊंगा ना तो ये आ गया PL मतलब प्रेशर लो, जो लो प्रेशर रखना है वो कितना रखना है सेम उसी हिसाब से आपको सेट करना है, मैंने 28 पे रखा है। तीसरी बार दबाएंगे ना तो ये टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कितना है वो आ गया। फिर से मैंने इसको एम दबाऊंगा
तो ये देखिए ब्लिंक होना शुरू हो गया, तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 68 रखा, सऊदी में तो 50 डिग्री तक चला जाता है। फिर से दबाऊंगा ना तो ये डिफ़ॉल्ट जो है उसका आ जाएगा, मतलब इतना ही आपको करना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है। फिर से आपको एम स्विच दबा के रखना है। तो अभी मेरा चारों टायर का जो टेम्परेचर है वो भी दिख रहा है और एयर प्रेशर है वो भी दिख रहा है। देखिए दोनों टायर में मेरा 29 है और राइट साइड का दोनों में, एक में 31 एक में 33 है। तो ये बहुत ही काम का चीज़ है, इसे मैं ऐसे ड्रेसपॉट में रख देता हूँ। देखिए यहाँ पे रख दिया मैंने बस। तो हमेशा आपको दिखेगा कि आपका जो टायर का प्रेशर है वो कितना है और टेम्परेचर है वो कितना है। सो गाइस इस चीज़ को यूज़ करके ना आप अपने गाड़ी का जो पेट्रोल का खर्चा है ना उसे बचा सकते हो। एक छोटा सा ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और ये प्रोडक्ट अगर अच्छा लगा तो आप, मैं लिंक दे दूंगा अमेजोन का, आप अमेजोन से खरीद के आप अपने गाड़ी में भी लगा के आपका पेट्रोल का बचत कर सकते हो। सो गाइस चलो आज का वीडियो इतना ही, होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Oh,